महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल के बच्चे और युवा पीढ़ी धार्मिक कार्य तो प्रारंभ में करते हैं, लेकिन कई बार वो आशीर्वाद लेते हैं और धार्मिक क्रियाएं करते हैं और कहीं सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो उनको लगता है कि इस आशीर्वाद से या इस धर्म से क्या होता है, और वो इस कारण सारा आरोप उस धर्म के क्षेत्र पर लगाते हैं और अवसाद जैसी स्थिति निर्मित होती है। तो हम ऐसे बच्चों और युवाओं को कैसे समझाएं? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं अपने आप में एक बहुत ज्वलंत समस्या बनती है। हम ये अच्छे से समझ करके चले कि जब भी हम किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के रूप में हो या अन्य के रूप में, उसमें हर किसी को सफल होना ही नहीं है, कुछ को ही होना है, तो बाकी तो उससे वंचित होंगे ना। आज मान लीजिए यूपीएससी के लिए किसी को अपनी भागीदारी देनी है तो लाखों लोग बैठते हैं, उसमें से प्री में ही हजारों सेलेक्ट होते हैं, फिर मेंस में और कम होते हैं, और उसके बाद मुख्य परीक्षा जो ओरल होता है इंटरव्यू में, तो कुछ ही कुछ जा पाते हैं, हर कोई तो नहीं निकल पाते। अब इसमें कोई सोचे कि मैं इतना धर्म करता, मैं गुरुओं के सानिध्य में रहता, तो फिर मेरा ऐसे कैसे हो गया? तो भाई, ये तो एक प्रतियोगिता है, वहाँ सुनिश्चित स्थान है, सुरक्षित सीट है, उससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता, तो जितने हैं उतने ही होंगे ना। उसमें जिसका नंबर आ गया वो पा गया, नहीं रहा तो उन्हें अपने आप को विफल नहीं मानना चाहिए। पहली बात तो ये, आईएएस बनने का लक्ष्य लेकर कोई चला, जो आईएएस बन गया वो सफल है, लेकिन बाकी लोग विफल है ऐसा कहना ठीक बात नहीं है। ये सच है कि वो आईएएस बनने में सफल नहीं हो पाया, पर जीवन में विफल थोड़ी हुआ। कैरियर केवल आईएएस का होता है क्या? कैरियर केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है क्या? कैरियर केवल आईआईटीएन का होता है क्या? कैरियर केवल एमबीए करने वाले का होता है क्या? कैरियर केवल डॉक्टर्स का होता है क्या? कैरियर तो हर किसी का हो सकता है। इसलिए सभी से मैं ये कहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े तो उस घड़ी अपने मनोमस्तिष्क को ठीक बना करके चले, और ये मान करके चले कि साधु संतों के आशीर्वाद में भी कोई चमत्कार नहीं होता, उनका आशीर्वाद हमारी प्रेरणा का आधार मात्र होता है। अगर सब कुछ हम लोगों के आशीर्वाद के जरिए होने लगे तो पढ़ाई क्यों करो? किसी चमत्कारी गुरु का आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है क्या? इसलिए विश्वास को मत रखो। गुरुओं के सानिध्य और सन्निधि में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सब काम बन जाए। गुरुओं के सानिध्य में रहने का मतलब केवल ये है कि तुम्हारा काम बने या ना बने, मन खराब ना हो, मन को अच्छा रखो। एक काम नहीं बना दूसरा काम, दूसरा काम नहीं बना तीसरा काम, तीसरा काम नहीं बना चौथा काम। ये प्रेरणा तो गुरुओं से ही मिलती है, उनसे हमें एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है, एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, और वह मोटिवेशन हम लोगों को आगे बढ़ने में समर्थ बनाता है। तो हमेशा गुरुजनों के सानिध्य में रहो, उससे मन शांत होता है। प्रायः जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता तो उसे हमारा मन बर्दाश्त नहीं कर पाता, और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। जब हम गुरुओं के संपर्क और सानिध्य में रहते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती, अरे ये सब चीज़ें तो लगी हुई है, होता है, चलो आगे देखो, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा दी, सफल नहीं हुए, लेकिन आज वो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं और उनसे पढ़े कई लोग आईएएस बन गए। तो ये भी तो एक जीवन है। तो जीवन के हर पहलू को हर तरीके से देखकर समझ करके चलना चाहिए।
इसमें किसी भी प्रकार से हताश नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति आपका जितना लगाव होगा, जुड़ाव होगा, अपने परिणाम उतने स्थिर होंगे। धर्म की सही समझ जगाइए। धर्म आपके बिगड़े काम को नहीं रोकता, ठीक करता, पर धर्म आपके बिगड़े मन को ठीक कर सकता है। परिस्थितियां सबके साथ बनती और बिगड़ती है, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता एक सच्चे धर्मी के हृदय में ही आती है। इसलिए वो क्षमता अपने भीतर विकसित करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते।